अभी हम लोग क्या देखे, पूरा का पूरा सीएफएससी जो था वो कंप्लीट हो गया था अपना। अब हम लोग आइसोमेरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा अलग था, हालांकि है चीज, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का है तो इससे रिलेटेड जो है सारा प्रोग्राम जो है वो लिगेंड मचाएगा यहाँ, ठीक है। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहते, तो यहाँ देखेंगे फिर से डेफिनेशन क्या है, क्या बोलता है। तो यहाँ यदि हम जाएंगे तो आइसो का मतलब पहले भी जानते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। और मर्ज का मतलब होता है, या मेरोज का मतलब होता है पार्ट, यानी कि का पार्ट सेम। क्या बोलता है कि कंपाउंड जो होते हैं जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला हो, उसका इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला किस में पढ़े होंगे, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला भी सेम हो, ठीक है, सेम इम्पेरिकल फार्मूला, लेकिन क्या डिफरेंट हो, डिफरेंट उसका कनेक्टिविटी, यानी कि एटम्स का जो अरेंजमेंट हो, बेसिकली ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगा कनेक्टिविटी, ठीक है, एटम का, ग्रुप का, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहते हैं, कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेसिकली कनेक्टिविटी का डिफरेंस यदि आने लगेगा तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, आइसोमर्स। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। सेम क्या रहेगा, सेम मॉलिकुलर फार्मूला रहेगा और इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला क्या बेटा, तो थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे C6H6, तो इसका लोएस्ट फॉर्मूला है ये क्या है, बेंजीन, दैट इज मॉलिकुलर फार्मूला, दैट इज मॉलिकुलर फार्मूला। और इसका लोएस्ट फॉर्मूला होगा सी और एच, तो C एंड H इज द इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्या हो जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और किसका ये हो सकता है, तो C2H2 का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद C4H4 का, मतलब इस तरीके के कंपाउंड का भी हो सकता है। तो ये मतलब इसका लोएस्ट, तो 2 और 2 कॉमन लेके क्या बच जाएगा, ये 6 और 6 कॉमन लेके क्या बच जाएगा, ये। तो बेसिकली ये अपने को नजर आ रहा है कि इम्पेरिकल फार्मूला जिसका सेम रहे, और मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए, और उसका क्या डिफरेंट रहेगा, कनेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। और उस फेनोमेना को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, पहले भी पढ़े हैं, फिर से हम लोग आ रहे हैं। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। यदि दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए आगे बढ़ें तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अराइज होता है तब जब डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स होता है, तब, यानी कि एटम्स का कनेक्टिविटी, कनेक्ट जैसे किया है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से यदि होगा तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन स्टीरियो किसको कहते हैं, तो ये अराइज कब होगा, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस, स्पेस में, ठीक है, 3D यदि हम लोग बात करें तो अलग अलग जगह पे, मतलब उसका ओरिएंटेशन यदि हम चेंज कर दें, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये ध्यान है, स्पेलिंग ध्यान रखना है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ एटम, यानी कि वो यदि हम चेंज करें तो वो क्या कहलाता है, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो कई तरीके के हो जाएंगे यहाँ पे। और हम लोग जो अपना आइसोमेरिज्म में पढ़े ऑर्गेनिक में वो तो थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं वो जरा हम आपको बता दें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपका आ जाएगा आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन, हाइड्रेट भी कहते हैं, लिंकेज, लिगेंड, पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन, इतने टाइप के आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जानना है, जो कि ऑर्गेनिक वाले से एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ पढ़ना नहीं था, ऑर्गेनिक में अलग अलग तरीके, ठीक है, स्ट्रक्चरल में, ठीक, तो वो आपका अलग था, चेन आइसोमर था, ठीक है, रिंग चेन था, मेटामर्स थे, ठीक है, तो ये सब तरीके के आपका आ रहा था। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चरल में क्या आ रहा है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, लिगेंड, पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये आ रहा है। और स्टीरियो में जो ऑर्गेनिक का था वही अपने को पढ़ना है, एक को कहेंगे ज्योमेट्रिकल और एक को कहेंगे क्या हम लोग, ऑप्टिकल, ठीक है। कन्फॉर्मर्स यहाँ नहीं पढ़ना, कन्फॉर्मर्स वहाँ थे, यहाँ पे कन्फॉर्मर्स नहीं जानना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट रहेगा, ठीक है, डिफरेंट रहेगा। आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन आर सेड टू बी एग्जिबिट, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक, आयोनाइजेशन आइसोमर किसको कहेंगे, सॉरी यदि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कह दिए हूँ तो उसको करेक्ट करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर, नाम से ही समझ में आता है आयोनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, आयोनाइजेशन से रिलेटेड है। क्या बोलता है कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा
लेकिन डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट आयन्स होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। आयन्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। आयन्स क्या रहेंगे, बदल जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन, आइसोमर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, और वो एग्जाम्पल है ये सी आर एन एस थ्री का होल फाइव एस ओ फोर और ये बी आर, इस तरीके से ये है। अब यदि हम इसका ये निकालेंगे, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये माइनस टू होता है, ये माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस थ्री हो जाएगा। अब ये क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा सा यदि हम इसको और मॉडिफाई करें, इसको यदि हम लोग एक्वस ए जी एन ओ थ्री डालते हैं, ठीक है, दो फॉर्म मिल रहा है, हम एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। एक्वस ए जी एन ओ थ्री डालते हैं ना तो बोलते हैं कि येलो पीपीटी मिला, ठीक, और बोले एक्वस बी ए सी एल टू डालते हैं तो बोलता है व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो यदि हम व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, और यदि अपने को येलो पीपीटी मिल रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो आपको याद होगा कि येलो पीपीटी कब मिलेगा, जब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी आर ए जी बी आर, ए जी बी आर जो है वो येलो पीपीटी देता है, ठीक है। ए जी बी आर क्या देगा, येलो, ठीक है। लेकिन जो बी एस ओ फोर होता है, बी एस ओ फोर, वो क्या देता है आपका वाइट पीपीटी, यानी कि ये हमको ब्रोमीन को अपने को क्या फॉर्म करना होगा, ए जी बी आर। ए जी तो यहाँ पे है, ए जी कहाँ है आप, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ए जी है, यानी कि अपने को किसको बाहर रखना पड़ेगा आयोनाइजेशन स्फीयर में, बी आर, बी आर को यदि हम बाहर रखेंगे तभी ये ए जी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ए जी बी आर, यानी बी आर क्या होगा बाहर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि वाइट पीपीटी बन रहा है, और वाइट पीपीटी बन रहा है इसका मतलब क्या है कि बाहर क्या रहेगा आपका एसओ फोर, क्योंकि बी एसओ फोर कैसा होता है वाइट पीपीटी, तो एसओ फोर को बाहर रख के इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब यदि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़े, ठीक है, कि दोनों का चार्ज, दोनों का क्या हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों का सेम आ रहा आई, ठीक है, नंबर, ठीक है, आई दोनों का क्या आ रहा आपका टू, वन ऑफ फैक्टर कितना आ रहा टू। लेकिन यदि हम चार्ज देखें किस पे आपका ज़्यादा है, आयंस, ये तो आयंस बता रहा है ना, तो ये हम लोग देखेंगे कितने टाइप के आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं, तो ये दो हो गया, यहाँ भी एक ये पूरा, ठीक है, एक ये टाइप का और एक ये टाइप का, यहाँ भी कितना हो जा रहा है दो, ठीक। लेकिन यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे प्लस है वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस टू आ रहा है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ड्यूटी मोर चार्ज, चार्ज ज़्यादा होने के कारण। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पी टी एन एस थ्री का होल फोर सी एल टू बी आर, तो सी एल टू का माइनस टू, बी आर टू का माइनस टू, ये तो न्यूट्रल, ये क्या हो जाएगा प्लस फोर, ठीक है, समझ में आया। अब क्या आपको हम बताते हैं कि प्लस फोर में है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पी टी का कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा चार दो, ठीक है, छः और दो आठ, लेकिन आठ तो होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना अपना आएगा यहाँ पे सिक्स, कितना आएगा सिक्स, और क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि पी टी प्लस फोर, पी टी प्लस फोर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिक्स, ये ऊपर देखेंगे, ठीक है, पुराना पहले बताया हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल छः ही जो है वो लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब मोनोडेंडेंट है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम नीचे आए और देखे जा रहा था, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, हाँ ये, तो यहाँ पे अपने को ये देखेंगे, ये तो यानी कि ये क्या है, एक तो ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स लाने का पॉसिबिलिटी क्या हो गया इस फॉर्मूले पे, कि हम बी आर टू को बाहर रखें, ठीक है, बी आर टू को, दोनों बी आर टू को बाहर रखें, या दोनों सी एल टू को बाहर रखें, एक बी आर और एक सी एल को हम लोग बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलेगा आपका सिक्स, एक तो सी एन भी बराबर सिक्स लाना है ना आपको, और चार्ज भी कितना लाना है प्लस फोर, तो ये आपका प्लस फोर भी लाना जरूरी है, ठीक है, हम लोग एन एस थ्री को बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों चीज जरूरी है, यानी कि ये तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती, तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, एक तो ये वाला आपका हो जाता है, ठीक है, ठीक है, एक तो ये वाला पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा, और नहीं तो एक कौन सा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ये वाला पॉसिबिलिटी आपका हो जाएगा, ठीक।
तो यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये इस तरीके से टूटेगा, और इसका आई बनेगा 3। कैसे, ये सिंगल पूरा ठीक है, और ये कितने आ जाएंगे 2। ठीक, ये कितना आएगा सिंगल पूरा, और ये कितना आएगा 2, इसका भी आई बराबर क्या होगा 3। अब इसमें यदि हम लोग एक्वस AgNO3 डालते हैं एक्वस एक्सेस, तो ये कितना बनाएगा 2 मोल ऑफ AgBr। क्यों, क्योंकि 2 Br बाहर है, और इसमें यदि करते हैं तो 2 मोल ऑफ क्या बनाएगा AgCl, क्योंकि 2 Cl क्या है इसका बाहर, लेकिन यहाँ क्या है Br भी बाहर था और Cl भी बाहर था, तो एक मोल बनाएगा AgCl और एक मोल बनाएगा क्या आपका AgBr। ये पूरा का पूरा खेल है। अब इसमें यदि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि चार्ज दोनों का अभी ऊपर, चार्ज क्या है सेम, और आई भी यदि सेम रहता है, चार्ज सेम रहे आई भी यदि सेम रहे तो हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या बोले हम, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन यदि हम बात करें ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, हाँ क्या बोले हम कि ऑलमोस्ट सारा क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या रहेगा ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, यदि चार्ज सेम है ठीक है, आई का सेम है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन कंडक्टिविटी इज नॉट सेम, लेकिन ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या रहेगा सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइज डिफरेंस आएगा, एटम्स के साइज में क्या आएगा डिफरेंस आएगा, जिसके कारण ठीक है साइज डिफरेंस इन एटॉमिक पार्ट, इसीलिए उसका ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तब हम उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम नहीं कह सकते हैं, तब अपने को डिफरेंट करना होगा। तो भाई इसमें कैसे होगा, तो इसमें सिंपल है कि स्मॉल एनायनिक यदि पार्ट रहता है तो मोर हाइड्रेशन होता है, याद होगा आपको इसमें केमिकल बॉन्डिंग में लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि स्मॉल है, और इसमें लेयर्स बनते थे लेयर्स ठीक है, जबकि पोटासियम में ठीक है हाइड्रेशन एक ही बार होता है, एक ही जो है वाटर का मॉलिक्यूल यानी के प्लस है, तो वाटर एक ही बार इसका चारों तरफ, लेकिन यदि हम बात करें एयरलाइट का तो एक लेयर बनेगा एक के ऊपर और एक लेयर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल का ठीक है, क्योंकि तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा हाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना। तो वहां पे देखते हैं तो जितना छोटा आयन होगा, जितना छोटा आयन का पार्ट होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाटर वाला एच का आकर के जुड़ेगा, और उतना ही लेस क्या होगा कंडक्टिविटी, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आकर के उसमें चिपक जाएगा उतना ही वो मोबाइल कम हो पाएगा, यानी मूवमेंट उसका क्या हो जाएगा कम, भारी भर कम हो गया, मूव कहाँ से करेगा, तो मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी कम, और कंडक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी वो भी हो जाएगी लेस। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की तो क्या हो जाएगा 2, 3, 1 ठीक है, क्या हो जाएगा 2 > 3 > 1 आपका निकलेगा ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब दूसरा हम लोग आते हैं हाइड्रेशन आइसो, तो यही दो जो है थोड़ा सा हाइड्रेशन आइसो, तो ये क्या बोलता है कि दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ठीक है, हाइड्रेट यानी हाइड्रेट क्या पानी है, वाटर मॉलिक्यूल का बिहेवियर अलग होने के कारण जो है वो हाइड्रेट आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो वो कहलाएगा लिगेंड, वो कहलाएगा लिगेंड, यदि H2O अंदर है अवेलेबल तो, और यदि बाहर अवेलेबल रहेगा तो वो क्या कहलाएगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको ये ध्यान से समझना होगा कि H2O मॉलिक्यूल अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या फिर उसके क्या है बाहर, यदि उसके बाहर रहेगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर हाइड्रेशन कहलाता है, और यदि अंदर रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका लिगेंड कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये क्लास 10th में भी पढ़े हो ब्लू विट्रॉल ठीक है CuSO4.5H2O, तो ब्लू विट्रॉल देखने में आपको क्या लग रहा है कि पांचों जो है बाहर है, अभी हम कि 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है CuH2O का होल 4SO4 और H2O, यानी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ,
है, इसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये चार जो है वो एक्ट करेगा एक लिगेंड, लिगेंड की तरह, यानी 4H2O एक्ट एज अ लिगेंड और 1H2O एक्ट एज अ हाइड्रेशन। समझ में आया, क्लियर है ये पार्ट? अब देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे फ्रेम कर रहे हैं कि ये CrCl3.6H2 है, ठीक है, इसके तीन आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, क्या बोले, एग्जिस्टिंग थ्री आइसोमर कॉन्क ए बी सी। ए ऑन ट्रीटिंग विथ कॉन्क H2SO4, यदि हम कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं ए को, तो बोलता है कि सो नो वेट लॉस, वेट लॉस नहीं हुआ, मतलब कि कोई एक तरह से रिएक्शन नहीं हुआ, ऐसा समझना, वो कॉम्प्लेक्स वैसा का वैसा रहा, कोई वेट लॉस नहीं हुआ। लेकिन बी और सी में कर रहे हैं ना, बी और सी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो बोलता है वेट लॉस हो रहा है, और वेट लॉस ऐसा एडवांस के लिए बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, और वेट लॉस कितना हो रहा है, तो बी में कर रहा है 6.75% का केवल लॉस हो रहा है, और सी में कितना कर रहा है, 13.5% का लॉस हो रहा है, तो फिर ए बी सी क्या होगा एक दूसरे के। तो यदि हम बात करें, आपको याद होगा कि H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक, याद आ रहा है, ठीक है, ओलियम हो गया, ये KHSO4 हो गया, ठीक, ये सारा जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे होता है, और H2SO4 भी क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करेगा, यानी वही हाइड्रेशन बनाने का काम करेगा, ठीक है, लिगेंड से उसको किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, हाइड्रेशन, ठीक है, तब उसका लॉस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे यदि हम ए, ये अपना क्या रहेगा, CrH2O का होल 6, यानी कि 6 का 6 पानी अंदर, और इसका कलर होता है वॉयलेट, और Cl तीनों जो रहेगा वो बाहर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 4, कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो 3 Cl, 3 होगा ये और एक का ये पूरा, टोटल हो गया 4, तो इसलिए I इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे कोई वेट लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, वेट लॉस हो रहा है, ये होता है पेल ग्रीन कलर का, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को भी हम बाहर कर दें, ठीक है, तो I इज इक्वल टू आपका आएगा ये 3, और वेट लॉस आपको मिलता है, मान लेते हैं वो वेट लॉस X%, ठीक है, और एक और हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, तो I इज इक्वल, और ये जो है वो कितना वेट लॉस हो रहा है, 2X, यहाँ पे 2X हो रहा है ना, और इसको नीचे कर लेते हैं, ये कितना हो जा रहा है आपका 2X, कितना हो रहा है 2X, क्योंकि दो पानी बाहर निकल रहा है, एक पानी बाहर निकला तो X, और एक दो पानी बाहर निकला तो 2X। तो बेसिकली यदि हम लोग देखें परसेंटेज, यदि हम निकाले थोड़ा सा, यहाँ पे देखें एक का ही निकालते, ये किसका निकाल रहे हैं, इस वाले का, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या हो गया 18, ठीक है, वाटर एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो कितना बाहर निकल रहा है, एक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 होगा ना, 18, ऑक्सीजन का 16 और ये दो, कितना हो गया 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 266 पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और इंटू 100, ठीक, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, तकरीबन तकरीबन 1800 अपॉन 266 अप्रॉक्स, यदि हम इसको 200 ले लेते हैं, तो ये तकरीबन तकरीबन 6% अप्रॉक्स आएगा, यानी पहला वाला जो कह रहा था कितना परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा दूसरा का कितना आ जाएगा, 2X, यानी 6 × 12%, तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे हम लोग, तो यहाँ भी देखेंगे, तो ये क्या बोला था, 6.75 का लॉस, और यहाँ 13.5 का लॉस, तो ये लॉस भी एग्जैक्ट अपना जो है तो मैच कर रहा है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो गया आपका एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के लिए हम यही छोड़ते हैं, कल लिंकेज आइसोमर से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट था, हाइड्रेशन वाला, हाइड्रेट वाला, और यस लिंकेज, ये आयोनाइजेशन, ठीक है, तो चलिए फिर से अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट रहे तो हम लोग डाउट फिर से मिलते हैं, कोई डाउट है क्या, नहीं सर, ओके, तो ठीक है, लीव करते हैं हम, नो सर।